स्वागत और अभिनंदन मैं इसलिए भी करना चाहता हूं कि आजादी के बाद कांग्रेस के पाप को परिमार्जन करने के लिए कांग्रेस की विभिन्न सरकारों को और उसके उपरांत विभिन्न सरकारों को मौका मिला था, लेकिन पहली बार देश के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और भेदभावकारी उन सभी जो कांग्रेस की सरकारों के पाप थे, उन पापों के परिमार्जन करने के लिए एक लोह पुरुष के रूप में, दृढ़ इच्छा शक्ति के रूप में, भारत के गृह मंत्री के रूप में जो दृढ़ इच्छा शक्ति आदरणीय अमित शाह जी ने दिखाया है, जिसमें नए भारत की सुरक्षा और समृद्धि का राज छुपा हुआ है और उस दिशा आज उनका मार्गदर्शन लखनऊ में अवध प्रांत से जुड़े हुए यहां के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। मैं इसलिए आज के इस आयोजन में आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने पिछले 6 महीनों के दौरान परिवर्तित होते हुए देखा होगा, जिनके बारे में कल्पना थी, लोग हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे कि पता नहीं क्या होगा, इन समस्याओं का समाधान होता भी है कि नहीं होता है, लोग ये मानते थे। लेकिन भाइयों बहनों, जो चुनाव के पहले एक नारा हम लोग लगाते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनने पर राष्ट्र की उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दिशा में जो कदम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ाए गए हैं, वास्तव में ये कार्य 1947 के बाद से प्रारंभ हो जाने चाहिए थे। ये समस्या देश के अंदर पैदा होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन देर से ही सही कांग्रेस नहीं कर पाई, अन्य विपक्षी दलों को मौका मिला, उन्होंने वोट बैंक तलाश करके देश की कीमत पर राजनीति करना उनका स्वयं का युग धर्म बन गया था। लेकिन पहली बार देश सर्वोपरि है और देश की कीमत पर किसी प्रकार की राजनीति स्वीकार नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जो कदम पिछले 6 महीनों के अंदर उठाए गए हैं, चाहे वह कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का रहा हो, 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने का रहा हो, या फिर 500 वर्षों के अयोध्या के कलंक को सदैव को समाप्त करके राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य हो, या फिर भारत की परंपरा के अनुरूप शरण में आए हुए की हम रक्षा करेंगे और रक्षा के भाव के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों को, धार्मिक रूप से पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारत के अंदर शरण दे करके जो एक महान कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, मैं सचमुच उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, सचमुच ये कार्य 1947 के बाद 50 में ये कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी, पिछली सरकारों में हिम्मत नहीं थी, नहीं कर पा रही थी, लेकिन मानवता के व्यापक हित में जो कदम उठाया गया है, आज कांग्रेस, सपा और विपक्षी दलों के द्वारा जिस तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, ये हम सबका दायित्व बनता है। एक एक व्यक्ति के पास जाएं और इसके बारे में बार बार कहा गया है, नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं, लेकिन तब भी गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। पैसा देकर के आदमी को कतला, आदमी की घटनाओं को प्रायोजित किया जा रहा है, और यही नहीं,
धरना दिलवा करके भी लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। एक झूठ को 100 बार बोलने से वो सच नहीं हो सकता। वामपंथ की इस थ्योरी को फिर से नकारने की आवश्यकता है। और जो सत्य है वह सत्य हमेशा सत्य रहेगा, और सत्य की कसौटी पर खरा उतरता हुआ आज की भारत की सरकार, देश के सच्ची प्रधानमंत्री, देश के सच्ची गृह मंत्री आज जब देश के हित में बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें विघ्न बाधा पैदा करके देश के खिलाफ खड़े रखने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, हर भारत के नागरिक का दायित्व बनता है। हम सब मौन नहीं बने रह सकते। हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ, हर भारत का नागरिक पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, और उसी मजबूती के साथ खड़ा है जिस मजबूती के बारे में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी यह इच्छा रखते हैं कि हर भारत का नागरिक भारत की समृद्धि, भारत की सुरक्षा के अभियान के साथ जुड़ेगा। मुझे भाइयों बहनों केवल आपसे एक बात करनी है। देश के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो कुछ भी विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, इस देश के अंदर देश के दुश्मनों की भाषा बोलने का कार्य कांग्रेस हो, सपा हो या अन्य विपक्षी दलों के द्वारा भाषा का उपयोग किया जा रहा है, हम सब मौन बने नहीं रह सकते। हमें याद करना होगा द्रौपदी के चीरहरण के दृश्य के दौरान एक बात सामने आई थी। उस समय भी द्रौपदी ने भरी सभा में एक प्रश्न किया था, किस पाप का दोषी कौन। भरी सभा में भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, अन्य बड़े बड़े धनुर्धर थे, ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, सभी मौन बने हुए थे। और उस समय केवल विदुर ने बोला था, उन्होंने कहा था तिहाई दोषी पापियों का, तिहाई दोषी सहयोगियों का, और तिहाई दोषी मौन मूक दर्शकों का। भाइयों बहनों, कांग्रेस सपा बसपा के द्वारा दुष्प्रचार चीरहरण से कम नहीं, और हम सब कांग्रेस के पाप के साथ भागीदार नहीं बन सकते, सपा के पाप के साथ भागीदार नहीं बन सकते। हम सब कांग्रेस के पाप का विरोध करेंगे, सपा विपक्ष के पाप का विरोध करेंगे, और जिससे जागरूकता का कार्यक्रम घर घर जाकर के केंद्र सरकार के राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए चलाए जा रहे अभियान में हम सब सहभागी बनेंगे। इस दृष्टि से हम सब पापियों के साथ खड़े नहीं हो सकते, हम सब उनके सहयोगी नहीं बन सकते, और चीरहरण के दृश्य में मौन भी नहीं बने रह सकते। इस दृष्टि से आज के अवसर पर इस अभियान के साथ नागरिकता कानून के समर्थन में और देश को दुनिया की एक ताकत बनाने के समर्थन में हम सब आदरणीय अमित शाह जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार हैं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।